आगे बढ़ेंगे। युवक एवं खेल मंत्रालय की ओर से चीन भेजे गए भारतीय प्रतिनिधिमंडल में छत्तीसगढ़ से प्रियंका बिस्सा शामिल थी। चीन से वापस लौटने के बाद उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत में कहा कि एम्बेसी से मिली जानकारी के मुताबिक चीन के सभी सूचना माध्यमों में छत्तीसगढ़ की खबर छाई हुई है। मैंने चीन के कृषि शिक्षा टेक्नोलॉजी संस्कृति और युवा प्रतिनिधियों और रोजगार का ऑब्जर्वेशन किया है। इन विषयों पर तैयार रिपोर्ट केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सौंपी है। सीएम बघेल ने रिपोर्ट के आधार पर आगे की रूपरेखा बनाने का आश्वासन दिया है। चीन प्रवास के दौरान प्रियंका ने चीनी लड़कियों को कथक नृत्य सिखाया और चीन का पंखा डांस भी सीखा। एशिया के दो बड़े देश चीन और भारत, ये दोनों के बीच मधुर संबंध के लिए अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर अनेक प्रयास किए गए, लेकिन भारत की ओर से प्रयास जो किए गए हैं उसके में अहम भूमिका निभाने वाली प्रियंका बिस्सा इस वक्त हमारे मौजूद हैं। और पूरे भारत से चीन 174 लोगों की टीम भेजी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ से प्रियंका बिस्सा का चयन हुआ था। वो 10 दिन चीन यात्रा से लौटकर वापस आई है। उनसे जानते हैं कि वो एक रिसर्च स्कॉलर है, इसके नाते उनने क्या ऑब्जर्व किया, उनको क्या सब्जेक्ट मिला था वहाँ। नमस्कार, मैं प्रियंका बिस्सा और भारत का प्रतिनिधि करने का मुझे मौका मिला चीन में। मैंने बहुत सी चीजें ऑब्जर्व करी, जिसमें से कि मैंने देखा कि एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी देखी, उनके एजुकेशन लेवल के बारे में मैंने देखा और वहाँ का यूथ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है और एक जीडीपी ग्रोथ के लिए वो क्या काम कर रहा है, स्टार्टअप में क्या उनकी जर्नी है और साथ ही क्लाइमेट चेंज के लिए वो क्या महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं, उस बारे में मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन किए हैं। तो ये आप जब वहाँ चीन से वापस आए तो किस तरह से रिपोर्ट बनाया गया, भारत सरकार से जो जिम्मेदार अधिकारी मंत्री हैं उनसे क्या आपकी मुलाकात हुई, क्या आपने कोई रिपोर्ट सौंपा है? जी, राष्ट्रीय सेवा योजना युवा एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मेरा चयन हुआ इस कार्यक्रम के अंतर्गत। और जब मैं वापस दिल्ली आई तो मुझे माननीय श्री किरण रिजिजू जो कि मंत्री हैं खेल एवं युवा मंत्रालय के, उनसे हमारी भेंट हुई और करीबन एक घंटे की हमारी चर्चा हुई, जिसमें कि हमने उन्हें बताया कि हमने कौन सी ऐसी चीजें हैं जो चीन से सीखी और वो हम कौन सी चीजें हैं जो कि यहाँ इंडिया में हम उसको लागू कर सकते हैं। तो उसकी एक स्पष्ट रूप से जो रिपोर्ट हो सकती है वो मैंने अपनी क्लियर ऑब्जर्वेशन के साथ उसे सौंपा है और उस पर वो अपनी मतगणना करेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे और उसी के आधार पर आने वाले समय पर चीन और भारत के बीच के जो संबंध है उस पर फैसले लिए जाएंगे। तो इस तरह से हमारे भारत अभी भी किसी से कम नहीं है और अगर नियमता और एक लाइन रास्ता बनाकर इस पर चला जाए तो आगे बढ़ने की सतत संभावना है। कैमरामैन जग्गा के साथ सत्या राजपूत, स्वराज एक्सप्रेस, रायपुर।